हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी टाइम है शाम का और मैं लगी थी रात के खाने के लिए सब्जी बनाने, और वो सब्जी आज मैं बना रही हूँ तरबूज के छिलकों की, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बनाई थी, 4-5 दिन हुए हैं, तो अच्छी बनी थी। तो उसके लिए मैंने आधे तरबूज के छिलकों की मैंने सब्जी बनाई और आधे की बनाई मैंने टूटी फूटी। और टूटी फूटी कैसे बनी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगी। ऐसे एक दौड़ लग जाती है कि एक ही जैसे वीडियोस आने शुरू हो जाते हैं, एक ही तरह के वीडियो आते जाते हैं। जैसे अभी सीजन चल रहा है तरबूज का, तो यही आ रहे हैं टूटी फूटी कैसे बनाए, टूटी फूटी बनाने का आसान तरीका। लेकिन टूटी फूटी बनती कैसी है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसका टेस्ट होता है, कैसा उसका फ्लेवर होता है। तो अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि जो जिस तरह से मैंने इसके छिलकों की सब्जी बनाई, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और हमारी फैमिली में सबको अच्छी लगी। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, थोड़ा सा अपना ही आइडिया था मेरा कि चलो उसकी मैं बनाकर देखती हूँ कि कैसी बनती है। और फिर मैंने बनाई और मुझे अच्छी लगी, थोड़ा सा मैंने अपना ही उसमें डाला, जो मसाले वगैरह जैसे डालते हैं, थोड़ा सी अपनी सोच के अकॉर्डिंग के कैसी बनती है, अच्छी बनी थी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम वीडियो की तरफ, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो मैंने टूटी फूटी बनाई वो कैसी बनी थी। ले लिए हैं तरबूज के छिलके और इनको मैंने साफ करके अच्छे से धोकर रखा हुआ था, और अभी इनका पानी अच्छे से सूख चुका है, और इसका जो रेड वाला पोर्शन है वो भी मैंने एकदम साफ कर लिया है सारा। और अब मैं इनको पील करूँगी, जो इसका ग्रीन वाला पोर्शन है उस छिलके को मैं उतारूँगी, और ज़्यादा मोटा मोटा नहीं उतारेंगे, बस हम हल्का सा पतला पतला सा ऊपर से जो छिलका है उसको ही हम उतारेंगे। और इस तरह से सारे छिलकों को मैं पील कर लूँगी। और अब यहाँ पर सारे छिलके जो हैं वो रेडी हो गए हैं, मैंने इनको पील कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इनको काटूँगी डाइसेस में, और इनको कम से कम मैं 1 इंच के डाइस में काटूँगी। अगर हम छोटे छोटे काटेंगे तो फिर थोड़ी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, अगर हम ऐसे काटेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी मैंने इसको काट लिया है और अभी इसको लगाते हैं तड़का। और यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है सरसों का तेल, सरसों के तेल में ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने अभी डाल दी है सरसों, और थोड़ा सा डाला है जीरा और लंबा कटा हुआ प्याज, और आप इसको अच्छे से भून लूँगी। हल्का सा कलर चेंज करेंगे प्याज का, और कलर चेंज हो गया है, और मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और इन सूखे मसालों को हम ऑयल में ही भून लेंगे, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का प्यूरे, तो अब इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तरबूज के छिलके जिनको मैंने काट के रखा था, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए। तो अभी इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढककर, और हाई फ्लेम नहीं रखेंगे और कम भी नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पानी बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है। तो 5 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे और एक बार इसको चला लेंगे। तो अभी हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और एक बार फिर से हम इसको ढककर पकाएंगे और 5 मिनट के लिए ढकेंगे। और अभी यहाँ पर जो हमारी है तरबूज के छिलके की सब्ज़ी वो हो गई है रेडी, और अभी लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर, और ये हमारी तरबूज के छिलके की सब्ज़ी हो गई है रेडी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी बनती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी
बताइए आपकी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ जो मैंने टूटी फ्रूटी बनाई थी वो कैसी बनी थी। और ये देखिए, ये मैंने बनाई थी टूटी फ्रूटी, जो मैंने पहले थोड़े दिन पहले तरबूज लेकर के आए थे, उसका आधे की मैंने टूटी फ्रूटी बना ली और आधे की मैंने सब्जी बनाई थी, जो कि सब्जी अच्छी लगी और टूटी फूटी का जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी बस सभी ये बोलते हैं कि इसके तरबूज के छिलकों की टूटी फूटी बनाएं, मुझे अच्छी नहीं लगी। जहाँ शायद अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी चॉइस होती है हर किसी की, जो इसका जो टेस्ट है ना, जो नॉर्मली टूटी फूटी का होता है वैसा नहीं है इसका। पता नहीं, मुझे तो कुछ अलग सा ही टेस्ट लगा है इसका। और इसके जो बीज होते हैं, ये देखिए बीज हैं ये तरबूज के और इसके हैं खरबूजे के, दोनों के बीच है ये। और इसको मैंने सुखा लिया है और इसके में जैसे होता है ना मगज हम निकाल लेते हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। और हर किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ बनानी होती है, कोई बर्फी वगैरह या लड्डू कुछ मैं बनाती हूँ, तो उसमें मैं मिला देती हूँ, डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।